Dear kids, your father keeps money in wallet and your mama use handbags. Am I right? Yes, very good. Do you think your shoes, your belt, your father's wallet, your mama's handbag and your school bag are made up of which material? Do you think? Think about that. Yes, tell me. No, you have no idea about that. Okay. Let's wait. We know very soon about that in this reading. We eat meat, but how can animals use for clothing? That's the main idea of today's reading. I know many questions are bubbling and popping in your mind and you get very curious about that. Am I right? So let's start reading. Put your finger on book page number 17. And the first line is... We eat different types of meat such as chicken, mutton and beef. हम जो गोश्त खाते हैं वो बहुत तरह का होता है. जैसे हम चिकन से भी गोश्त खाते हैं, बकरे का गोश्त भी खाते हैं, गाय का गोश्त भी खाते हैं. Can you think of some other types of meat? क्या आप मुझे किसी और तरह के गोश्त का नाम बता सकते हैं जो हम खाते हैं? Yes, बिल्कुल बता सकते हैं आप. जैसे हम फिश खाते हैं? Yes, बिल्कुल, exactly. Okay, put your finger on the third line. Coats, bags, shoes, etc., etc. are made up of leather and we get leather from buffalo, cow and sheepskin. Coat, bag, shoes और इस तरह की और चीज़ें जो हम चमड़े से हासिल करते हैं. और क्या आपको पता है कि हम leather किससे हासिल करते हैं? चमड़ा हम कहाँ से हासिल करते हैं? Buffalo से, भैंस से, cow, गाय से, sheep, भेड़ से. और जो उनकी स्किन होती है उसको वॉश किया जाता है, साफ किया जाता है फैक्ट्रीज में. उस प्रोसेसिंग के बाद उससे लेदर बनता है. फिर लेदर जो है वो फैक्ट्रीज में जाता है और उस फैक्ट्री से क्या क्या बनते हैं? आपके बैग्स, शूज, हैट्स और इस तरह के और भी चीज़ें जो हम सर्दियों में पहन सकते हैं. शीप ऑल्सो गिव अस वूल टू मेक वार्म क्लोथ्स फॉर विंटर. भेड़ बकरियों से जो हम ऊन हासिल करते हैं, भेड़ों से, उनको उनसे हम क्या बनाते हैं? स्वेटर बनाते हैं. और उनको हम कब पहनते हैं? सर्दियों में, ताकि हम क्या रह सकें? गर्म रह सकें, हमें ठंड ना लगे. जैसे देखें इस बच्चे ने पहना हुआ है, ये बॉय खड़ा हुआ है ना पिक्चर में, आप देख सकते हैं इसने स्वेटर भी पहना हुआ है और इसने मफलर भी पहना हुआ है ताकि इसको सर्दी ना लगे. ओके, Look, here is a picture of beehive and bees are flying around here. In the same way, some insects help us too. Bees make honey for us. इसी तरह जो insects हैं वो भी हमारी मदद करते हैं. जो bees हैं, शहद की मक्खियाँ हैं, वो हमारे लिए क्या prepare करती हैं? शहद बनाती हैं ताकि हम उन्हें खा सकें और सेहतमंद रह सकें. शहद जो है बहुत ज़रूरी होता है हमारी हेल्थ के लिए. We use camels and horses for riding and traveling. घोड़ों को और ऊँटों को हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सवारी के लिए. हम उन पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं और वैसे ही उनके ऊपर बैठकर हम राइडिंग भी कर सकते हैं. Today I found out a tiny insect called the silkworm makes silk for us. एक छोटा सा कीड़ा जो मैंने देखा है इस पिक्चर में, एंड यू कैन ऑल्सो सी, यस यू कैन सी, इसे क्या कहते हैं? सिल्क वॉर्म. आपको पता है इससे क्या बनता है? नहीं पता. ये जो कीड़ा है ये रेशम बनाता है, सिल्क बनाता है, जिससे कौन सा क्लोथ बनता है? सिल्क, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वाला कपड़ा. Turn the next page, page number 18. Put your finger on the first line. Animals also help us in many other ways. For example, bats eat mosquitoes that can cause disease. अच्छा, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को नकारा या बेफायदा नहीं बताया. इसी तरह से अब देखें, ये जो बैट है, ना हम इसका मीट खाते हैं, ना हम इसके एग्स खाते हैं और ना ही हम इसे किसी और यूज़ में, ये हमारे किसी और फ़ायदे में नहीं आता. मगर इसका एक फ़ायदा ये है कि ये किन्हें खाता है? मॉस्किटोज़ को, मच्छरों को, ताकि वो बीमारियों को
ना पैदा कर सके ना फैलाएं। इसीलिए ये जो जितने भी बैट्स हैं उनका हमें क्या फायदा है, वो क्या खाते हैं, मॉस्किटोज। हेयर आर सम वर्ड्स विच आर डिफिकल्ट फॉर यू एंड आई हैव राइट मीनिंग्स आर देयर ऑल्सो। मीट मीन्स गोश्त, मटन बकरे का गोश्त, लेदर चमड़ा, वूल ऊन, हनी शहद, राइडिंग सवारी। सो अंडरलाइन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग ऑल्सो ऑन योर बुक्स। एंड टुडेज डायरी इज रीडिंग बुक पेज नंबर 17 and 18। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। वी विल मीट इंशाल्लाह टुमारो। फी अमान अल्लाह।